दोस्तों नमस्कार, मैं मनीष शर्मा एमएस पियानो स्टूडियो से। दोस्तों आज मैं आपको सिखाऊंगा सी मेजर की सेकंड शेप, फर्स्ट देन सेकंड दोनों मिलाकर। यदि आपने इससे पहले देखा होगा तो एक सी मेजर स्केल मैंने बताया था, उसी सी मेजर स्केल पे मैंने गाना भी प्ले करवाया आप लोगों को, कल हो ना हो। उम्मीद करता हूं पसंद आया होगा। बहुत ही इजी तरीके से आप लोगों को बताने की कोशिश करी है, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ जरूर आया होगा। कमेंट्स में आप मुझे बताइएगा यदि आपको वो इजीली समझ में आया हो तो, कोशिश करूंगा और इजी बताने की अगर नहीं आ पाया तो। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं सी मेजर की सेकंड शेप क्या है। हमने पहला जो बजाया था ऐसा कुछ था, हम चेंज करेंगे, डी को फ्रेट पे लेंगे, सी डी ठीक है। इसका फायदा क्या मिलेगा, थोड़ा टफ हो सकता है ये, पर इसका फायदा क्या मिलेगा कि जब आप आगे जाके कुछ सॉन्ग्स को जब आप बजाएंगे जो थोड़े से दूरी पे होते हैं तो वो आप बहुत ही स्मूथली प्ले कर सकेंगे। तो मैं नोट्स के साथ में, नोट्स सेम ही रहेंगे, सी डी ई एफ जी ए बी सी डी ई एफ जी ए बी सी, नोट सेम ही रहेंगे, नोट चेंज नहीं होते क्योंकि सी मेजर स्केल है। फ्रेट के साथ में आपको बताता हूं, आप उसे कॉपी कर लीजिएगा। ये मैंने प्ले किया सी और नेक्स्ट नोट डी, पांचवी स्ट्रिंग के ऊपर है थर्ड फ्रेट और पांचवा फ्रेट, तो सी डी फिर ई एफ जी। ये मैंने चौथी स्ट्रिंग पे प्ले किया है सेकंड फ्रेट थर्ड फ्रेट पांचवा फ्रेट, सी डी एफ जी फिर ए बी। जो ए और बी मैंने प्ले किया है ये सेकंड फ्रेट है और फोर्थ फ्रेट है थर्ड स्ट्रिंग का। इसके बाद में जब आप बजाएंगे ए बी सीधी आपको स्लाइडिंग करनी है और स्लाइडिंग करते हुए फिफ्थ फ्रेट के ऊपर आ जाना है, सी डी, ये भी थर्ड पर रहेगा। तो मैंने क्या करा, ए बी सी डी ऐसे आपको स्लाइड करते हुए आना है, ए बी सी डी फाइव सेवन टू फोर फाइव सेवन टू फोर फाइव सेवन। इसके बाद में ई एल जी, तो ये सेकंड पे आएगा सेकंड स्ट्रिंग पर, फाइव सिक्स सेवन ई एल जी फिर ए बी सी, तो ये फाइव सेवन एट और रिवर्स में तरारी रारी दोस्तों ये सी मेजर की सेकंड शेप है। ये आप लोगों को वहां काम आएगी जहां पर हम लोग गानों को थोड़ा दूरियों में बजाते हैं, और बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स हैं जो हम लोग प्ले करते हैं दूर दूर जगह पर, और वहां पर हमें लगता है कि यार अब ये फिंगर सब कैसी जाएगी या वो फिंगर कैसी जाएगी, बड़ा मुश्किल सा काम हो जाता है उनको प्ले करने के लिए, बड़ा मुश्किल काम हो जाता है इतने दूर के नोट्स फ्रेट प्ले करने के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन रहते हैं कि सर कैसे ये प्ले होगा या कैसे हम कर पाएंगे, तो मैंने आपको ये बहुत सिंपल एक तरीका बताया है। जितना आप इस एक्सरसाइज को बजाएंगे आपकी फिंगर एक तो उतनी ही अच्छी मजबूत होगी, दूसरा आप देखेंगे कि जब आपने फर्स्ट शेप सी मेजर को बजाया तो आपको फर्स्ट थ्री फ्रेट के नोट्स और स्ट्रिंग लर्न हो गए। फिर जब आपने सेकेंड शेप सी मेजर में बजाया तो आप देखेंगे आपको थर्ड से लेकर एट तक के नोट याद हो गए। तो कितना आसान है दो स्केल को आपसरी में मर्ज करके बजाने में, कि आप कितनी जल्दी अपनी गिटार के फ्रेट्स बोर्ड को इजिली याद कर सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि आप बिगनर हैं, आपको याद नहीं हो पा रहा, तो आप परेशान मत होइएगा, आप इसको अलग अलग करके भी बजा सकते हैं। बहुत ही इजी तरीका है कि आप इसे जब अलग अलग कर देंगे तो ये बहुत स्मूथली और बहुत ही सरलतम तरीके से बज जाएगा। तो ऐसा नहीं है, स्लो स्लो आप देखिए, सीखिए, कोशिश कीजिए आगे बढ़ने की। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आएगा और आप लोग इसे प्ले करके रखेंगे। तो नेक्स्ट गाना मैं बिल्कुल इसी शेप पे गाने वाला हूं आप लोगों को, जो कि मैंने सेकंड शेप के अंदर अभी आपको मूवमेंट दिखाई है। तो उम्मीद करता हूं लेसन आपको पसंद आएगा, समझ आएगा, प्रैक्टिस करेंगे और आपको
आगे वाले गाने में बजाने में इसमें खूब मजा आएगा। तो दोस्तों आप प्रैक्टिस करके रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो साथ में। थैंक यू दोस्तों।